हेलो सन मून एंड राइजिंग स्कॉपियोज वेलकम टू माई चैनल ड्रीम टैरोट ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के हाले से, से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती सकते आपसे कौन मैसेज को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर ना हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे दूर चैनल को सब्सक्राइब करें उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आपको उनसे पर्सन रीडिंग चाहिए तो भी आप उसमें इंस्टाग्राम में कर सकते हैं सो लेट्स लेक्सी के मैसेजेस आते हैं फॉर यू क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो पार्टनर्स करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस मैसेज है जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा कोई टाइम लिमिट नहीं है आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेज भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ओके तो स्कॉर्पियोज़ के पर्सनस की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर स्कॉर्पियोज वॉट आर स्कॉर्पियोज पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर स्कॉर्पियोज ओके वट आर स्कॉर्पियोज करेंट फीलिंग्स फॉर स्कॉपियोज अत आपके पास क्वीन ऑफ कप है इट्स मीन कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन इमोशनल हैं उनके अंदर बहुत फीलिंग्स हैं बट वो तो आपको उन फीलिंग्स का को शो नहीं कर रहे और यस वो भी चाहते हैं एक म्यूचुअल कनेक्शन आपके साथ बनाना बिल्ड करना और और वो आपकी तरफ आपको चाहते हैं कि आप आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करें और चीज़ों को फिक्स करना वो भी चाहते हैं बट हो सकता है वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हो इस वक्त में और कोई स्टेप अपनी तरफ से ले नहीं रहे हों सो यस वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में है उनके लिए चैलेंज है कि शायद आप भी वही Uh, उन्होंने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल uh, किया हुआ है तो उन आ, आपने भी शायद उनकी तरफ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है और ये उनके लिए चैलेंज है एक चैलेंज या तो अगर आप उन्हें ऑफर करें और वो एक्सेप्ट नहीं करें आपकी ऑफ़र को तो ये भी उनके लिए एक चैलेंज है क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आपको ऐसा शो करना है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो आपकी ऑफ़र uh, को एक्सेप्ट करें और उन्होंने हमने आपको ऐसा बोल्ड पर्सनैलिटी आपके सामने शो किया हुआ है कि जो कि जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है और वो रिजेक्ट कर सकते हैं बट ये रिजेक्ट करना आपकी ऑफर को रिजेक्ट करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त में और यस आपके लिए जिस जैसे आप उनको इमोशंस शो नहीं करते उसी तरीके से लाइक आप दोनों सेम पेज पे हैं इमोशनली जैसे कंट्रोलिंग कंट्रोल इमोशंस और इमोशंस हैं दोनों के एक दूसरे के लिए सेम सेम बट एक दूसरे से छुपाना ये ये उनकी है इस वक्त में सिचुएशन फॉर यू और वो ये वो अपने आप को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है उनको लगता है कि ये एक वाइस स्टेप है जो वो ले रहे हैं और इस वक्त में ऐसा वाइस स्टेप ही उनके लिए बेटर रहेगा और हालांकि वो डिसअपॉइंटेड हैं और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ उनको लगता है बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में लॉस हो चुका है और लेकिन स्टिल वो आप आपसे लव करते हैं और हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो कि बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हैं इस रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है अब कुछ नहीं हो सकता तो ये इस तरह की सिचुएशंस और फीलिंग्स उनके अंदर आती हैं बट वो वाइजली एक स्टेप्स लेना चाहते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड शो करें कि उन्हें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता बट और बट उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो आपके ऑफर को रिल चेक कर रहे हैं बट वो स्टिल आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं सुट सी कि यहाँ पर क्या कंप्लीशन uh, यस yes, वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं क्रिएशन चाहते हैं उन्हें फेथ है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा और उन्हें अपनी लव पर फ़ेथ है अपनी फ़ीलिंग्स पर फेथ है यस yes. वो नई नई फ़ीलिंग्स भी डिस्कवर करते करते रहते हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स हर दफ़ा न्यू होती हैं और वो आप बहुत सी नई नई फ़ीलिंग्स डिस्कवर करते रहते हैं या फिर इस इस रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ों को डिस्कवर करते रहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग और आ, कितना स्ट्रोंग है सो लेट सी के यहाँ पर आपके लिए रोमैंसल ऑरिगल मैसेज क्या है पैशन उनको लाने की जरूरत है अपनी पैशन को फील करने की ज़रूरत है अलाउ योर हार्ट एंड सोल सिंग विद जॉय तो अपने अंदर पैशन लाने की जरूरत है उनको आ, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आस फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्राम योर फ्राम अदर्स तो वो दूसरों की मदद ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले कर चलने में दूसरों की हेल्प ले सकते हैं फ्रेंड्स फैमिली की देख लेते हैं कि उनकी क्या मैसेज हैं आपके हार्ड मैसेज क्या हैं अगर वो खुद से आप इस रिलेशनशिप में आगे ले कर नहीं जा सकते इस सिचुएशन को तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू वो आपकी तरफ कोई पैगाम भिजवा सकते हैं या कोई हेल्प ले सकते हैं उनसे ये एडवाइस है डिवाइन की तरफ से सो आई लव यू अनकंडीशनली तो ये उनका हार्ट मैसेज है कि वो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं वी विल बी टुगेदर ही उनका मानना है कि वो आप दोनों दोबारा से एक हो सकते हैं आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट वो ये सोचते हैं कि काश चीज़ें कुछ मुख्तलिफ होती तो चीज़ें आपके साथ अच्छी होती आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन तो वो बेटर पर्सन बन रहे हैं नाउ हो सकता है जिस जिन बातों की वजह से वो रिग्रेट कर रहे हैं उनको ख़त्म करके वो रिग्रेट कर रहे हों कि क्या पता उनकी कुछ हैबिट्स की वजह से रिलेशनशिप में कुछ ख़राबी आई है तो अब वो अपने उन हैबिट्स को ख़त्म करने की या उन बातों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं बेटर पर्सन बन रहे हैं उनका नेक्स्ट सेक्शन ये है कि वो आपको मैनिफेस्ट uh, कर सकते हैं और यस yes, हैप्पीनेस चाहते हैं वो आपके साथ पेशेंस और इस बार वो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चल रहे हैं जैसे मैंने कहा नो no कॉन्टैक्ट ही रहेगा क्योंकि अभी वो फ़िलहाल कोई सॉलिड एक्शन लेने वाले नहीं हैं जस्ट प्रेयर्स और इमोशन फुलफ़िल अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की वो कोशिश करेंगे और इस रिग्रेट से निकलने की कोशिश करेंगे अपने माइंड को पीस में लाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ना सोचें इस हवाले से So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.